200 ग्राम भी रिंकू सिंह और धोनी को बेहतर फिनिशर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 200 ट्रॉफी जीतकर गले लगाकर रो पड़े रिंकू सिंह, लेकिन अपने बयान में धोनी से लेकर गंभीर पर इस खिलाड़ी ने जो कहा ना वो सुनकर आज आप इन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार रिंकू ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रिंकू और ऋषभ पंत में बेहतर फिनिशर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 कोलकाता की ऐसी जीत के साथ खत्म हुआ है कि कोलकाता की इस जीत और अपनी हार को एसआरएच की टीम नहीं भूल पाएगी। जिस घमंड से एसआरएच की टीम और पैट कमिंस ने पूरे सीजन में हर टीम पर राज किया, हर टीम के खिलाफ मैच जीते, फाइनल में जगह बनाई और फिर फाइनल में ऐसा प्रदर्शन किया जैसा कभी दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के हाथों हो चुका था वर्ल्ड कप के फाइनल में। दोस्तों, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का एक अलग ही नाम का भोकाल होता था। पावर प्ले में 100-100 रन बनते थे, लेकिन आज 2-0 पर ही आउट हो गए। 9 रन पर त्रिपाठी निपट गए और ये सब करने वाले स्टार कप वैभव अरोड़ा थे। इसके बाद रसल ने मार्करम को आउट किया, अब्दुल समद को और पैट कमिंस को 24-4 और 20 रन पर। अब ये सभी दिग्गज खिलाड़ी आउट हो गए थे, जिसके बाद ये टीम 113 रन पर ऑल आउट हो गई और दोस्तों इसे चेस करने के लिए मात्र 11वें ओवर तक केकेआर की टीम को आना पड़ा, जिसमें भी वेंकटेश ने 200 के स्ट्राइक रेट से 26 में 52 रन लगाए और 39 रन गुरबाज ने। इस टीम ने दोस्तों जीत नहीं हासिल करी बल्कि ऐतिहासिक लम्हा भी रचा, उस टीम को हराया है जिसको जीत का सबसे ज्यादा घमंड था। और फाइनल में ना सिर्फ पैट कमिंस को हराया गया है बल्कि वर्ल्ड कप की हार का बदला भी पूरा किया गया है। और दोस्तों, जब बदला पूरा हुआ है तो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के दिल को भी कहीं ना कहीं ठंडक पहुंची है। लेकिन दोस्तों, ट्रॉफी जीतने के बाद रिंकू सिंह के आंसू नहीं रुके और अपने बयान में उन्होंने धोनी से लेकर गौतम गंभीर पर जो कहा ना वो सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे आज। आपको बताया दोस्तों कि रिंकू सिंह का कहना था, ये जीत वाकई में यादगार है, जब से टीम से जुड़ा हूँ केवल ट्रॉफी का सपना दिखता था, केकेआर मेरी पहली और आखिरी टीम बनेगी आईपीएल की, और मैं तहे दिल से चाहता था कि अपनी टीम के लिए उतना बेहतर प्रदर्शन कर जाऊं जो शायद कभी किसी खिलाड़ी ने ना किया हो। हाँ, इस सीजन में मुझे बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जितने भी मिले दिल से चाहता था कि बस केकेआर ही जीते। हमने बहुत मेहनत करी, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत गौती भाई ने हमारी टीम के लिए करी। वो जिस तरीके से टीम के साथ हर मैच में चलते थे, उससे पहले रणनीतियाँ बनाते थे और हमारे लिए खेल को आसान बनाते थे, उसके चलते ही हम मैचेस को जीते हैं और ट्रॉफी को भी। इस बात में कोई शक नहीं कि उनके बिना टीम अधूरी है और अधूरी रहेगी, इसलिए जीत उनका मुबारक। एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि धोनी भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है और शायद ये उनकी ही सीख है जिसके चलते मुझे इतना ज़्यादा फायदा भी हुआ, वरना शायद मैं ऐसी परफॉर्मेंसेस दे नहीं सकता था जो हमारी टीम के लिए जीत में काम आ जाए। दोस्तों, रिंकू सिंह का बयान ना दिल जीतने वाला है। वैसे आप सभी इस जीत के लिए उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ फाइनल मैच जीत के बाद चैंपियन बन गई कोलकाता की टीम, तो क्या बोले कोलकाता की टीम के मालिक शाहरुख खान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेले गए फाइनल मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद कोलकाता की टीम के मालिक शाहरुख खान का बयान सामने आया है। इस बीच शाहरुख खान ने चैंपियन बनने के बाद एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार कोलकाता के चैंपियन बनने के बाद शाहरुख खान ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हैदराबाद की टीम के खिलाफ कोलकाता की टीम की शानदार जीत के असली हीरो कौन रहे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोलकाता और हैदराबाद के बीच चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम पर आज एक रोमांचक फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। हालांकि इस मैच में दोनों टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर आई, लेकिन हैदराबाद की टीम के सलामी बल्लेबाज एक बार फिर से खराब शुरुआत करने दिखाई दिए और हैदराबाद की टीम ने 12 ओवर के अंदर मात्र 71 रन के स्कोर पर 6 विकेट दे दिया, जिसके चलते हैदराबाद की टीम वापसी करने में असमर्थ रही और काफी ज्यादा कम स्कोर बना पाई, जिसके कारण आज हैदराबाद की टीम के सामने कोलकाता की टीम ने लक्ष्य को भी अपने नाम किया, जिसके बाद कोलकाता की टीम के मालिक शाहरुख खान का हैरान कर देने वाला बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कोलकाता की टीम के मालिक शाहरुख खान ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए इस मैच में कोलकाता की टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा आज खुश हूँ। कोलकाता की टीम के चैंपियन बनने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आज कोलकाता की टीम ने जिस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और इस तरीके के बेहतर प्रदर्शन के चलते ही हमारी टीम चैंपियन बन पाई है। मेरा मानना है कि आज हमारी टीम के लिए सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी टीम के गेंदबाजों ने हैदराबाद की टीम की सबसे बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है। इस मैच में अगर कोलकाता की टीम के गेंदबाज हैदराबाद की टीम के सभी बल्लेबाजों को परेशान नहीं करते तो शायद कोलकाता की टीम को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी किसी भी टीम को अकेले हरा सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि आज के दिन कोलकाता की टीम के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा ने जिस प्रकार से टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है
और हैदराबाद की टीम के दोनों ओपनर को अब परेशान करते हुए कोलकाता की टीम को काफी ज्यादा मजबूती दिलाई है। तो इस बात का प्रतीक है कि कोलकाता की टीम काफी ज्यादा बेहतरीन टीम है। आज कोलकाता की टीम के लिए सभी गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की है। साथ में कोलकाता की टीम के लिए गौतम गंभीर ने अपनी रणनीति के जरिए हैदराबाद की टीम को परेशान करने का काम किया, तो कोलकाता की टीम को काफी ज्यादा मजबूती दे बैठा है। ऐसे में मेरा मानना है कि अगर इसी तरीके से गौतम गंभीर आने वाले साल में इसी मजबूती दिलाने का काम करते रहे तो मुझे लगता है कि अगले साल भी कोलकाता की टीम चैंपियन बन जाएगी। ऐसे में आज कोलकाता की टीम के चैंपियन बनने के पीछे गौतम गंभीर का बड़ा हाथ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कोलकाता की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जिसमें शाहरुख खान ने अंत में बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में कोलकाता की टीम ने सिर्फ शानदार गेंदबाजी नहीं की है बल्कि कोलकाता की टीम के बल्लेबाजों ने भी पावर प्ले के अंदर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पूरे तरीके से मैच को कोलकाता के पक्ष में कर दिया। इस मैच के अंदर कोलकाता की टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की है। सिर्फ इस मैच में ही नहीं बल्कि वेंकटेश अय्यर ने सभी महत्वपूर्ण मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई है। ऐसे में कोलकाता की टीम के तीसरी बार चैंपियन बनने से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता के जीत के बाद तीसरी बार चैंपियन बनी कोलकाता की टीम, तो क्या बोले दुनिया भर के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए फाइनल मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिली है जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया। इस बीच रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन से लेकर शोएब अख्तर, सुनील गावस्कर ने एक ऐसा बयान दिया कोलकाता के लिए जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार कोलकाता के चैंपियन बनने के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए इस मैच में शानदार जीत के असली हीरो कौन रहे, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कोलकाता और हैदराबाद के बीच चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम पर आज एक रोमांचक फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। हालांकि इस मैच में दोनों टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर आई थी लेकिन हैदराबाद की टीम के सलामी बल्लेबाज एक बार फिर से खराब शुरुआत करते हुए दिखाई दिए और हैदराबाद की टीम ने 15 ओवर के अंदर मात्र 90 रनों के स्कोर पर 8 विकेट दे दिए थे जिसके चलते हैदराबाद की टीम वापसी करने में असमर्थ रही और काफी ज्यादा कम स्कोर बना पाई जिसके कारण आज हैदराबाद की टीम के सामने कोलकाता की टीम ने लक्ष्य को भी अपने नाम किया जिसके बाद अब दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान दिया है। जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए रोमांच मैच में कोलकाता की टीम को जीत दर्ज करने का मौका मिला है और कोलकाता की टीम चैंपियन बन गई है जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इस मैच के अंदर कोलकाता की टीम ने पूरी तरीके से फाइनल मैच में अब डोमिनेट करते हुए चैंपियन बनने का काम किया जो बताता है कि कोलकाता की टीम कितनी ज्यादा बैलेंस टीम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोलकाता की टीम के लिए इस मैच में सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाजों के लिए काम काफी ज्यादा आसान कर दिया है जिसके कारण आज कोलकाता की टीम को जीत मिली और ऐसे में कोलकाता की जीत को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिली है जिसके चलते कोलकाता की टीम चैंपियन बन गई और ऐसे में आज कोलकाता की टीम के चैंपियन बन जाने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं क्योंकि मुझे लगता था कि इस बार कोलकाता की टीम एक ऐसी टीम बनकर मैदान पर आने वाली है जो आसानी से किसी भी टीम को परेशान कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोलकाता की टीम के लिए आज मिचेल स्टार्क ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की, साथ ही में हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया जो बताता है कि कोलकाता की टीम चैंपियन बनने की योग्य टीम है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है। हैदराबाद की टीम काफी ज्यादा बेहतरीन टीम दिखाई दे रही थी लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद की टीम ने फाइनल मैच में आकर अपना सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करके दिखाया है वो आज वास्तव में निराशाजनक रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोलकाता की टीम के लिए इस मैच में मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ने तो शानदार गेंदबाजी की, साथ ही में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भी काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है जिसके कारण आज हैदराबाद की टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज हैदराबाद की टीम को कोलकाता के खिलाफ एक शानदार जीत मिल गई। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं। जिस तरीके से कोलकाता की टीम के लिए आज के दिन गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई वो वास्तव में ही काबिले तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि कोलकाता की टीम के लिए इस मैच के अंदर तो मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने शानदार गेंदबाजी की, साथ ही में बाकी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोलकाता की टीम के लिए गेंदबाजों ने जिस तरीके का बेहतरीन प्रदर्शन किया है उसका फायदा बल्लेबाजों को मिला और इस मैच में कोलकाता की टीम ने आसानी से हैदराबाद को बुरी तरीके से हरा दिया और तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बने
बनने का काम भी किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कोलकाता की टीम के जीत के असली हीरो कौन रहे, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आखिरकार अंतिम पड़ाव पर आईपीएल आ चुका है, स्टेडियम सज चुका है, दोनों टीमें आमने सामने खड़ी हैं। सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद के पक्ष में गिरा और पहले खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत